नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार नहीं करेंगे तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आपको तो इनके नेताओं को, इनके मंत्रियों को बेरोजगार बनाना है। अभी बात कर रहे थे शिवराज सिंह जी की। शिवराज सिंह जी, 18 साल बाद आपको बहने याद आई, 18 साल बाद आपको कर्मचारी याद आए, 18 साल बाद आपको किसान याद आए। चुनाव के 5 महीने पहले आपको ये सब याद आते हैं। आज मध्य प्रदेश की जनता समझदार है और हमारे बुंदेलखंड की जनता को याद है कैसे राहुल जी ने बुंदेलखंड का पैकेज दिया था। याद है आप सबको कि बुंदेलखंड के विकास का एक नया इतिहास बने, ये बुंदेलखंड का पैकेज घोटाला पैकेज बन के रह गया, ये इसकी स्थिति है। और आज प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हमारी सरकार बनी थी, 15 साल बाद हमारी सरकार बनी थी। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी, हमने परिचय दिया अपनी नीति और नियत का। कौन सा गुना मैंने किया जब 27-28 लाख किसानों का कर्जा माफ किया? किया हमने सागर जिले में 80,000 से ऊपर किसानों का कर्जा माफ किया। कौन सा गुना मैंने किया, कौन सी गलती मैंने कही? हमने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। कौन सा पाप मैंने किया कि हमने गौशाला बनाई? कौन सा पाप मैंने किया कि इतिहास में जो गौशाला नहीं बने थे हमने गौशाला बनाया? हमने पेंशन बढ़ाई। आज मध्य प्रदेश की जनता गवाह है। ये आज आए थे, ये अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनके नेताओं से, रिपोर्ट कार्ड मत देना, आप तो रेट कार्ड देना, रेट कार्ड कि यहां तो पैसे दो काम लो। सही बात है। मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपसे क्या कहूं, आप अच्छी तरह परिचित हैं। ये आज हमारे प्रदेश का हाल है। मैं तो आपसे इतना कहना चाहता हूं कि पहचान लीजिए, पहचान लीजिए आज कि अपने प्रदेश की क्या स्थिति है। चुनाव आते हैं, हमारे जनपद का चुनाव आता है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। हर चुनाव का अपना मायने होता है। 4 महीने में जो चुनाव है, ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का ही नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का ही नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और मैं तो नौजवानों से खास करके कहना चाहता हूं कि तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने, तस्वीर रख लीजिए मध्य प्रदेश की अपने सामने और सच्चाई समझ लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिए, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये आज हमारे सामने चुनौती है और मैं, मुझे पूरा मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास है कि दित्ता ये गुमराह करने आएंगे। दित्ती डबल स्पीड पर शिवराज सिंह जी की झूठ की मशीन चलेगी, दित्ती डबल स्पीड पर उनकी झूठ की मशीन चलेगी, इसका कोई फायदा नहीं होगा। ये झूठ की मशीन जो डबल स्पीड पर चल रही है, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, रोज आप घोषणाएं कर रहे हैं, आप तो अपना पाप धो रहे हैं, 18 साल का पाप धो रहे हैं। और ये सब ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया, शिवराज जी का नाटक नौटंकी। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, आप बंबई जाइए, एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। ये मध्य प्रदेश की जनता का तो अब पेट भर गया है, आपके झूठ से, आपकी घोषणाओं से पेट भर गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम सब मिलकर मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे।
और सागर, खास करके सागर जिले की बात मैं करना चाहता हूं, कितना आपके ऊपर अत्याचार हुआ है। सागर जिला एक ऐसा जिला है, इतना अत्याचार हुआ है, भूलिएगा मत, भूलिएगा मत, चुप रहिएगा। और जिस दिन आप मतदान करेंगे उनको रवाना करिएगा, बड़े प्यार से रवाना करिएगा। और फिर से सागर जिले की हर सीट कांग्रेस के आप थाली में जाएगी और हमारा कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।